अच्छा जी, जब तक हमारी कढ़ाई जो है उस वो गल रही है प्याज और टमाटर वगैरह, तो मैं आपको स्टोरी बताऊं। ये दरवेशी कढ़ाई, हमारा एक फैमिली रेस्टोरेंट होता था कराची में, ब्लॉक 2 गुलशन इकबाल, गुलशन ग्रिल के नाम से। तो गुलशन ग्रिल की एक अलग स्टोरी है, आई विल टेल यू लेटर ऑन। तो मैं जो हूँ वो कढ़ाई बनाता था वहाँ पर, और मैं इसलिए बनाता था कि हमारा जो उस्ताद था वो भाग गया, सो आई स्टार्टेड। तो मैं एक दिन कढ़ाई के टीए पे था, कढ़ाई बना रहा था, तो एक साहब मेरे पास आए, बड़े बारिश से दरवेश से फिर टाइप मुझे लगे वो, इसीलिए मैंने इस कढ़ाई का नाम दरवेशी कढ़ाई रखा। उन्होंने कहा बेटा मुझे कढ़ाई चाहिए, लेकिन इसमें जो है वो मशीन के पिसे हुए मसाले ना इस्तेमाल करो। तो इसका मतलब ये कि ना हल्दी इस्तेमाल कर सकता था मैं, ना पीसी मिर्च इस्तेमाल कर सकता था, ना मैं कुटी मिर्च इस्तेमाल कर सकता था, और उन्होंने कहा कम मसाले की भी। तो वहाँ मैंने जो है वो ये दरवेशी कढ़ाई बनाई कि जिसके अंदर मैंने नमक, काली मिर्च और जो मेरा मिक्स मसाला है वो मैंने इसमें ऐड किया। और उसके बाद वो अंकल परमानेंट कस्टमर थे मेरे, हर हफ्ते एक मरतबा वो आते थे, तो ये कढ़ाई उन्होंने खाई और मैंने और मेरे दोस्तों ने खाई। तो ये स्टोरी है दरवेशी कढ़ाई। अच्छा, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, ये ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक पे मेरा पेज है खाओ पकाओ, आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं अपडेटेड रेसिपीज़ के लिए।